तो बर्बेरिस वल्गेरिस जो है एक काफी इम्पोर्टेंट मेडिसिन है, बहुत छोटी सी मेडिसिन है, कुछ कुछ खास जगहों पे वर्क करने वाली मेडिसिन है, लेकिन काफी इम्पोर्टेंट मेडिसिन हम इस्तेमाल करते हैं। इसका जो कॉमन नेम है वो तो बहुत सिंपल है, जो उसका नाम है बर्बेरिस, जैसे इसका कॉमन नेम है बेरबेरी एंड बर्बेरिस डीएससी, इसकी जो है बर्बेरिस डीएससी इसकी जो फैमिली है, तो बिल्कुल आसानी से याद हो सकता है। दूसरी चीज का मियाजम, सिर्फ सोरा को हटा दो फिर सोरा सिफिलिस एंड सार्कोसिस, एस वाई सिफिलिस एस वाई सार्कोसिस दोनों में ही अच्छा वर्क करती है, यानी डिजनरेशन भी इसमें भी देखने को मिलेगा और एक्स्ट्रा ग्रोथ एक्स्ट्रोवर्टेड ग्रोथ जो है बॉडी में वो भी देखने को मिलती है। पेशेंट का टेम्परामेंट देखोगे तो नर्वस टेम्परामेंट देखने को मिलेगा, ऑब्वियसली जहाँ पर अगर आप देखेंगे कि डिजनरेशन है तो वहाँ पर नर्वस टेम्परामेंट अक्सर देखने को मिलता है। फिर पेशेंट का जो थर्मल रेडिएशन देखेंगे तो वो हमें काफी चिली ठंड बिल्कुल ठंड कुछ ज्यादा ही लगती है, ही नीड सम वार्म्थ। पेशेंट जो है एनिमिक भी आपको देखने को मिलेगा, और कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप देखोगे तो एक और चीज देखने को मिलेगी, ओल्ड गाउटी कॉन्स्टिट्यूशन, पुराना गाउट का कॉन्स्टिट्यूशन इसमें देखने को मिलता है, ठीक है ना। अब इसके बाद अगर हम अगली चीज इसकी देखते हैं कि इसके जो मेन सिम्टम्स है वो क्या है, चेंजेबिलिटी, चेंजेबिलिटी ऑफ सिम्टम्स, खासतौर से पेन के मामले में देखेंगे कि पेन में जो चेंजेबिलिटी देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है इसकी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेन, कभी पल्सेटिंग होगा, कभी स्टिंगिंग होगा, कभी बर्निंग पेन होगा, कभी जो है जैसे कहेंगे अनएक्सप्रेसिबल टाइप का पेन भी हो सकता है इसमें, कि ये पेन की कैरेक्टरिस्टिक में चेंजेबिलिटी देखने को मिलती है, और दूसरी चेंजेबिलिटी इसकी देखने को मिलती है पेन की लोकेशन या पोजीशन में, ये दो चीजें हमें देखने को मिलती है। तो चेंजेबिलिटी बहुत इम्पोर्टेंट सिम्टम है। दूसरे इसके इम्पोर्टेंट सिम्टम आते हैं म्यूकस अफेक्शन एंड रीनल सिम्टम्स, रीनल सिस्टम पे बहुत अच्छा वर्क करने वाली मेडिसिन है, जेनेटो यूरिनरी सिस्टम पे वर्क करने वाली बहुत अच्छी मेडिसिन है, और साथ ही जीआईटी सिम्टम्स में खासतौर से गॉल स्टोन के ऊपर बहुत अच्छा वर्क करती है, और फिर तीसरी चीज मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, रूमेटिज्म एंड आर्थराइटिस, इन चीजों पे बहुत अच्छा वर्क करती है। तो अगर इसमें देखेंगे टोटल क्वेश्चन अगर इसमें बनेंगे खासतौर से बनता है कि राइट डाउन अबाउट द यूरिनरी जेनेटो यूरिनरी सिम्टम्स या यूरिनरी सिम्टम्स या मस्कुलोस्केलेटल सिम्टम या रूमेटिज्म ऑफ बर्बेरिस वल्गैरिस, और ये हम पैरल इन्हीं चीजों पे से ज्यादा बात करने वाले हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसमें रैपिड चेंजेस इन द पोजीशन एंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेन, रैपिड चेंज इन द सिम्टम्स, सिम्टम्स में बहुत तेजी से चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। फिर दूसरी चीज मिलती है अल्टरेशन ऑफ सिम्टम्स, बहुत ज्यादा सस्टलेसनेस कभी होगी, कभी बहुत ज्यादा सस्ट लगेगी, देयर इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ अल्टरेशन ऑफ सिम्टम्स, समटाइम्स देयर इज अ सीवियर सस्टलेसनेस, समटाइम्स देयर इज सीवियर थर्स्ट, समटाइम्स देयर इज अ सीवियर हंगर, समटाइम्स देयर इज अ लैक ऑफ और लॉस ऑफ एपेटाइट, दोनों चीजें देखने को मिलेगी। ड्राइनेस ऑफ म्यूकस अक्सर इसमें बहुत कॉमन सिम्टम है। अगर हम देखें कहाँ कहाँ ज्यादा काम करती है तो माइंड जीआईटी रेस्पिरेटरी जेनेटिक यूरिनरी सिम्टम्स इसको बहुत ज्यादा वर्क करना चाहती है। इसके मेंटल सिम्टम्स बहुत सिंपल है, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है टायर्डनेस, एक्सेसिव टायर्डनेस एंड डजंट वांट टू वर्क, डजंट वांट टू टॉक, डजंट वांट टू वॉक, ही डजंट वांट टू डू एनीथिंग देयर, एंड वेरी सेंसिटिव टू एक्सटर्नल नॉइजेज एंड इवन अ लिटिल नॉइजेज कॉजेज सम प्रॉब्लम देयर, सेरेब्रल डिप्रेशन, मेलनकोलिक पर्सनैलिटी एंड इंक्लिनेशन टू वीक भी आपको इसमें देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा जैसे कहना चाहेंगे रोने की इच्छा मिलेगी। फिर वैनिशिंग ऑफ थॉट व्हेन इंटरप्टेड, कोई थॉट है अगर उसको इंटरप्ट कर दिया तो सारे थॉट एकदम से गायब हो जाएंगे, वो निल हो जाएगा एकदम से, ये चीज इसमें देखने को मिलेगी। इसके बाद हम इसके देखते हैं कुछ अपना एब्डोमिनल सिम्टम्स या गॉल ब्लैडर के सिम्टम्स देख लेते हैं। एब्डोमिनल में गॉल ब्लैडर सिम्टम्स ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे कि गॉल स्टोन, इट इज अ वेरी गुड रेमेडी टू डिसॉल्व द गॉल स्टोन एंड इट इज अ वेरी इम्पोर्टेंट रेमेडी टू रिस्टोर द नॉर्मल फ्लो ऑफ गॉल या बाइल, है ना। ये इम्पोर्टेंट चीज इसमें हम देख पाते हैं, बिलियस कॉलिक, सीवियर नोशिया, नोशिया एंड वोमिटिंग बिफोर ब्रेकफास्ट, सीवियर कॉलिक एंड कॉलिक फॉलोड बाय द जॉइंटिस, ये कुछ सिम्टम्स जो इसमें ज्यादा हमें देखने को मिल जाते हैं। फिर हमें देखने को इसमें मिलता है कि कुछ रेक्टम के सिम्टम्स हम कहेंगे, सॉरी स्टूल से रिलेटेड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, स्टूल क्ले कलर्ड होगा, ऑब्वियसली अक्सर जब जॉइंटिस वाली स्थिति होगी तो क्ले कलर्ड स्टूल हो जाता है, तो क्ले कलर्ड स्टूल विद फिस्टुला इन एनो एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम, स्टिंगिंग एंड स्टिचिंग पेन इन द पेरिनियम एंड एनस
ये इसके कुछ खास सिम्टम्स हैं। और दूसरी चीज देखने को मिलेगी स्टिचिंग पेन इन द रीजन ऑफ गॉल ब्लैडर विथ सीवियर कॉन्स्टिपेशन, ये हमें अक्सर देखने को मिल जाता है, ठीक है ना। इसके बाद हम देखते हैं इसके रीनल सिम्टम्स देख लेते हैं। रीनल सिम्टम्स सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये हमें याद रखना इसका, जैसा कि यूरिनरी सिम्टम्स या यूरिनरी सिम्टम्स ऑफ बर्बेरिस वुलगरिस आर ऑलवेज वेरी 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 मच इम्पोर्टेंट, है ना। तो रीनल सिम्टम्स में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले आप क्या देखने को मिलेगा, जैसे कि रीनल कैलकुलाई। रीनल कैलकुलाई बहुत इम्पोर्टेंट फीचर है इसका, हमारे इसका बर्बेरिस वुलगरिस का। रीनल कैलकुलाई विथ सीवियर पेन, सीवियर पेन यूजुअली इंक्रीजेज एंड ही स्टार्ट और ही व्हेन ही गो फॉर यूरिनेशन, सीवियर पेन एंड यूरिनेशन विथ सीवियर फियर, फियर ऑफ पेन यहाँ पे देखने को मिलेगा। पेन इन लाइन, pain in back which runs down to the thighs especially when urinating, pain का कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे तो बर्निंग पेन इन नेचर देखने को मिलेगा, विद अ सीवियर बबलिंग सेंसेशन इन द किडनीज, सीवियर बर्निंग पेन इन द लाइन विच रन्स डाउन टू द थाइज व्हेन यूरिनेटिंग, एवरी यूरिनेशन एग्रावेट्स द सिम्टम ऑफ पेन, पेन स्पेशली इन द लेफ्ट साइड ऑफ द किडनी, लेफ्ट रीनल लेफ्ट किडनीज रीनल कैलकुलाई, इसके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट मेडिसिन है, ठीक है ना। इसका सामान्यतः जो दर्द का नेचर है वो क्या है, किडनी से यूरेटर में होता हुआ ब्लैडर और यूरेथ्रा तक आना, इसके दर्द की खास प्रकृति है कि किडनी से शुरू होगा दर्द, ऐसा लगेगा लाइन से दर्द शुरू हो रहा है, यूरेटर से होता हुआ ब्लैडर में और ब्लैडर से फिर यूरेथ्रा तक इसका दर्द का पूरा स्ट्रीट वहां पे जो है बन जाती है। नेफ्राइटिस के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है इंफ्लेमेटरी कंडीशन ऑफ नेफ्रॉन, सिस्टाइटिस इंफ्लेमेशन ऑफ ब्लैडर, हेमाचूरिया विथ रेड सेडिमेंटेशन ऑफ यूरिन, सामान्यतः लाल लाल रंग का सेडिमेंटेशन यूरिन में हो जाना इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन हमको कह सकते हैं। कई बार यूरिन में बहुत ज्यादा थिक म्यूकस भी देखने को आती है, थिक म्यूकस काफी ज्यादा इसकी यूरिन के अंदर आ जाती है, ठीक है ना। इसके बाद अपन इसके बाद देखते हैं थोड़े से गाउट की सिम्टम्स, इसके बहुत इम्पोर्टेंट है। बैक एंड एक्सट्रीमिटीज से रिलेटेड इट इज अ वेरी गुड मेडिसिन फॉर द स्पाइनल इरिटेशन, स्पाइनल इरिटेशन के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन हम इसे मान सकते हैं। पेन इन द बैक ऑफ ए स्मॉल, पेन इन ए स्मॉल ऑफ बैक, पूरे पूरी बैक में तो नहीं लेकिन छोटी सी जगह पे दर्द, खासतौर से लंबा रीजन में बहुत ज्यादा पेनफुल कंडीशन, लाइन्स में बहुत ज्यादा पेनफुल कंडीशन विच यूजली एक्सटेंड्स अप टू द थाइज एंड फीट, ये बहुत ज्यादा अच्छी मेडिसिन इसके लिए मानी जा सकती है। रूमेटिक और गाउटी कंडीशन कॉन्स्टिट्यूशन, रूमेटिक गाउटी कॉन्स्टिट्यूशन स्पेशली द ओल्ड एंड एजेड पर्सन। फिर दूसरी चीज पेन अंडर फिंगर नेल्स, फिंगर नेल्स के नीचे की ओर दर्द होना, हिट स्वेलिंग ऑफ फिंगर ज्वाइंट और साथ ही फिंगर ज्वाइंट की स्वेलिंग का हो जाना, इसके लिए बर्बेरिस वुलगरिस एक बहुत अच्छी दवा हम कह सकते हैं, ठीक है ना। आर्थराइटिक अफेक्शंस विद यूरिनरी कंडीशंस एंड यूरिनरी डिस्टर्बेंसेस मींस द बर्बेरिस वुलगरिस। बर्बेरिस वुलगरिस की खासतौर से आर्थराइटिक कंडीशन सारी किसके साथ एसोसिएटेड रहेंगी, यूरिनरी डिस्टर्बेंसेस के साथ या यूरिनरी ट्रबल्स के साथ, इस चीज को हमें याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर ऑल द कंडीशंस, ऑल द आर्थराइटिक कंडीशन और अदर कंडीशन यूजली एग्रावेट्स विद यूरिनेशन, है ना। और दूसरी चीज दे आर यूजली वर्स इन वेरियस टिपिकल एटीट्यूड्स लाइक स्टैंडिंग और वॉकिंग और फिजिकल एक्सरसाइजेस और एक्टिव एक्सरसाइजेस, दीज ऑल द कंडीशन यूजली एग्रावेट्स द कंप्लेंट ऑफ बर्बेरिस वुलगरिस। इसके बाद हम देखते हैं कहीं ये वेनस सिम्टम्स पे, वेनस सिस्टम पे भी इसका बहुत अच्छा इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, किसका, बर्बेरिस वुलगरिस का। खासतौर से कहाँ पे, जब हम देखेंगे कि पेल्विक वेन्स का एंगॉर्जमेंट और हेमराइडल वेन्स का एंगॉर्जमेंट बढ़ जाना, उनका प्रॉब्लम क्रिएट करना, पेनफुल कंडीशन क्रिएट हो जाना, ये हम अक्सर देखते हैं इसमें बर्बेरिस वुलगरिस में। तो इट इज ऑल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट मेडिसिन इन वेनस सिस्टम स्पेशली इन द पेल्विक एंगॉर्जमेंट एंड हेमराइडल कंडीशन, तो इस जगह पे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट मेडिसिन हम देखते हैं। फिर अगर हम इसका देखें कि मेल सिम्टम्स भी थोड़े बहुत इसमें देखने को मिलेंगे, खासतौर से व्हेन देयर इज ए स्मार्टिंग बर्निंग स्टिचिंग पेन इन प्रीफ्यूज एंड इन स्क्रोटम, बर्बेरिस वुलगरिस अल्टीमेट रेमेडी फॉर सच टाइप ऑफ कंडीशन। इट इज ऑल्सो वेरी मच यूजफुल इन स्पर्मेटिक कॉर्ड न्यूरोलजिया एंड द न्यूरोलजिया ऑफ द टेस्टिस,
true. Berberis vulgaris is also very much useful in the male symptoms, especially when it is related to the neurologic condition of the mammary cord and neurology of testes. So it is very much useful in such type of condition. Smarting, burning, stitching, pain of fissures, it is also very much important for this type of conditions. And then we just referring the modalities, what the modalities of Berberis vulgaris describes. Usually there is always a condition of worsening, a condition of aggravation when the patient having a movement, walking or it is a physical exercise. These all conditions aggravate the complaints. The movements, any type of movements aggravate the urinary complaints. Especially the urine complaints. Urine complaints starts or becomes worse by the movements. या तो movements के साथ ही urinary complaints start होती है या फिर ये और ज्यादा worse हो जाती है, aggravate हो जाती है. इस चीज को हमें ध्यान रखना पड़ेगा. फिर any type of sudden flaring also aggravates the complaint. Patient needs the cool and calm atmosphere. He always wants to be static. हमेशा रुके रहना चाहता है, शांत बैठे रहना चाहता है, कोई मूवमेंट नहीं करना चाहता, तो उसकी कंप्लेंट जो है शांत बनी रहती है. तो इस प्रकार से हमारा बर्बेरिस वल्गैरिस का ये जो है समाप्त होता है. और आगे फिर हम दूसरे सिम्टम्स, दूसरे मतलब मेडिसिन को चेक करेंगे. ठीक है, तब तक के लिए बाय.